हाई एवरी वन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट सो हम यहाँ पर जो है क्लास इलेवेंथ की जो एन सी ई आर टी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका सिक्स चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था जिसमें हम जो है एक डिफरेंट टाइप की जो सोसाइटी है उसके बारे में बात कर रहे थे नए कल्चरटाइज के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो मेनली हमने यहाँ पर जो है ना अभी तक जो फ्यूडल सोसाइटी है उसके बारे में बात की थी एंड जिसमें यहाँ पर जो है ना आपको थ्री uh, हिरार्किज जो हैं वो देखने को मिलती हैं एक यहाँ पे जो है क्लर्गी रहती है नोबिलिटी आ जाती है और उसके बाद में पीजेंट्स आ जाते हैं एंड इनके बीच में जो रिलेशनशिप के टाइज होते हैं ना उनके बारे में बात कर रहे थे एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे इन ये जो तीन ऑर्डर थे पहला था यहाँ पे क्लर्गी क्लर्गी के बाद में आपके जो है नॉबल्स आ जाते हैं देन उसके बाद में जो है पीजेंट्स आ जाते हैं राइट तो ये तीन ऑर्डर्स हमने यहाँ पे पढ़े थे अभी तक एंड ये हिरारकी हमने यहाँ पे देखी थी तो क्या यहाँ पे जो है ना इस सोसाइटी में कोई फोर्थ ऑर्डर भी था राइट right? अब उसके बारे में जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे तो नए टाउन्स एंड नए टाउन पीपल जो है वो यहाँ पे इमर्ज हो रहे थे थर्टीन सेंचुरी के बाद में या फिर हाउएवर इलेवन सेंचुरी के बाद में जो है ये थोड़ा सा ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है नए टाउन्स एंड टाउन पीपल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं सो लेट स्टार्ट दॉपिक सो ऑब्वियसली जब एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंड हो चुका है तो ऑब्वियसली आप जो है ज्यादा अच्छी फसलें अवेलेबल है ज़्यादा न्यूट्रेंट्स वाली जो एक तरह से न्यूट्रिशन वाली जो फसलें हैं वो अवेलेबल है तो लाइफ टाइम जो है ना वो एक तरह से बढ़ जाता है लाइफ स्पेन जो है ना वो एक एक आदमी का वो यहाँ पे बढ़ जाता है तो यहाँ पे जो है ना जब एग्रीकल्चर एक एक्सपेंड होता है नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आ जाती हैं उनकी इनकम्स भी बढ़ जाती हैं तो तीन और रिलेटेड एरियाज है एग्रीकल्चर के साथ जिसकी वजह से जो है ना उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के बाद में तो पहली है यहाँ पे पॉपुलेशन दूसरी है ट्रेड तीसरा है यहाँ पे टाउन तो ये भी यहाँ पे जो है ना इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली यूरोप की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अराउंड थर्टीन हंड्रेड तक की अगर हम बात करें तो सेवनटी थ्री मिलियन हो जाती है यूरोप की पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली वेटर फूड इसका मतलब है कि लॉन्गर लाइफ स्पेन होगा एंड बाय बाई सेंचुरी अब एक जो यूरोपियन है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो दस साल और भी बढ़ जाता है राइट देन बट हाउएवर जो वुमेन एंड गर्ल होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन है वो फिर भी कम रहता है कंपेयर टू दैन बिकॉज द लेटर एट बेटर फूड क्योंकि जो मैन थे उन्हें उस समय में ज्यादा अच्छा खाना मिलता था एंड जैसे कि हमने देखा था कि रोमन एम्पायर के जो टाउन्स थे वो डेजरटेड हो चुके थे वो एक तरह से टूट चुके थे टोटली नष्ट uh, totally हो चुके थे रोमन एंपायर के फॉल के बाद में बट फ्रॉम द 11th सेंचुरी जब एग्रीकल्चर इंक्रीज हो जाता है एंड बिकेम एबल टू सस्टेन हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन तो जब पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है तो टाउन्स जो है ना वो भी दोबारा से आप जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास आप जो है ना सरप्लस गेन ग्रेन था राइट सो so दैट की उससे जो है वो बेच सके तो उन्हें अब जो है ना एक जगह की भी जरूरत थी वेयर दे वेर सेलिंग सेंटर अब उन्हें जो है एक सेलिंग सेंटर की यहाँ पे जरूरत थी जिसमें जो है एक जगह पे ही बैठ के वो जो है ना अपने अनाज को बेच सके जो सरप्लस अनाज होता है सरप्लस अनाज कौन सा होता है पहले तो अपने यूटिलाइजेशन के लिए वो अनाज रख लेते हैं पूरा साल खाने के लिए उसके अलावा जो अनाज जो एक्स्ट्रा होता है उसे सरप्लस जो है ग्रीन बोला जाता है सो दिस लेट टू द ग्रोथ ऑफ द पेरियोडिक फेयर्स फिर जो पेरियोडिक मेले जो होते हैं वो लगने वो लगने यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे कि जिसमें फिर लोग आते थे वहाँ पे अपना सामान बेचते थे नॉट ओनली यहाँ पे ग्रीनस और भी चीज़ें वो बेचा करते थे या फिर स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे एक तरह से डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें धीरे धीरे हमें जो है टाउन लाइक फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं टाउन लाइक फीचर्स कौन कौन से आ गए टाउन स्केर बन जाता है फिर उसके आसपास चर्च बन जाती हैं फिर रोड्स बन जाती हैं यहाँ पे फिर उन रोड्स के आसपास जो मर्चेंट्स अपनी शॉप्स बना लेते हैं फिर घर भी बना लेते हैं एंड इवन एक ऑफिस भी यहाँ पे बन जाता है जो कि इस पूरे टाउन को जो है ना वो गवर्न करता था तो एक स्मॉल टाउन जो है वो यहाँ पे इमर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड कुछ और प्लेसेस पे भी यहाँ पे जो है ना लार्ज कास्टल्स जो थे बड़े बड़े किले यहाँ पे बनाए गए थे उसके आसपास भी जो टाउन्स है वो फिर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर चर्च के आसपास भी जो है ना यहाँ पे टाउन्स जो है वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह के सो so, अब क्या था इन टाउन्स तो इस टाउन में ये जो टाउन्स जो यहाँ पे ग्रो होते हैं तो पहले यहाँ पे क्या था कि जो पीजेंट्स होते हैं ना वो अपने लोड्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे बट आप जो है ना वो लोड्स को क्या करते हैं वो टैक्स पे करते हैं हु ऑन द लैंड ऑन विच द टाउन स्टोर राइट right, तो जिस टाउन पे यहाँ पे जो है ना जिस लैंड पे टाउन जो है वो बनाया गया है उसके लिए जो लोग थे वो अब क्या करते हैं वो अपने लोड को मीन उस लैंड के मालिक को जो है ना वो टैक्स पे करते थे राइट right, पहले सर्विसेज पे की जाती थी आप जो है वो टैक्स पे करते थे उस लैंड के लिए जिस लैंड के ऊपर टाउन जो है वो सेटअप किया गया था मार्केट सेटअप की जाती है सो टाउंस ऑफर दी प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड फ्रीडम तो अब जो है टाउन्स जो होता है ना उसमें यहाँ पे हमेशा ही लोगों के मन में यही चीज़ आती है कि वहाँ पे उन्हें पेड वर्क भी मिल जाएगा एंड उन्हें आज़ादी भी मिलेगी फ्रॉम दी लोड्स कंट्रोल एंड टाउन एयर मेक्स फ्री ऐसा उस समय में जो है ये कहावत थी कि जो टाउन की एयर है ना वो हमें फ्री बनाती है तो कई ऐसे स्लेवस भी थे जो कि अपने लोड्स के घर से जो है भाग के आ जाते थे सो डैट की वो जो है टाउन्स में यहाँ पे रह के फ्री हो सके ओके अगर जो है एक सर्फ जो है एक स्लीव जो है ना वो एक साल के लिए एंड एक साल से ऊपर जो है ना अपने ला अपने लोड को दिखाई दिए बिना जो है वो इस टाउन में रह जाता था तो वो जो है फ्री मैन हो जाता था सो मैनी पीपल इन टाउन्स फॉर फ्री पीजेंट्स और एसके एफ हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर तो इन टाउन्स में अब जो है ना कई सारे लोग जो थे वो फ्री पीजेंट्स थे या फिर जो स्लेव्स थे जो कि भाग के आए हुए थे जो कि अनस्किल्ड लेबर्स थे वो यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं फिर धीरे धीरे शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं एंड फिर ऑबियसली इनके अलावा भी कुछ ऐसे पर्सन थे जिन्हें हम बोल सकते हैं कि स्पेशलाइज स्किल्स थी उनके पास जैसे कि बैंकर्स एंड लॉयर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं फिर धीरे धीरे जो है इन टाउन्स के अलावा कुछ बड़े टाउन्स भी बने स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी अराउंड थर्टी थाउजेंड तक पॉपुलेशन थी एंड ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो बिग्गर टाउन है ना यही वाले लोग थे जो कि फोर्थ ऑर्डर बनाते हैं सोसाइटी में उस समय में थर्टीन सेंचुरी के बाद में तो यहाँ पे जो है ना गिल्ड बनाए जाते हैं गिल्ड क्या होता है ना यहाँ पे एक एसोसिएशन होती है विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मीन जो है ना ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज इन टू ए गिल्ड तो यहाँ पे इन टाउन्स में बड़े टाउन्स में जो है ना हर एक क्राफ्ट या फिर जो इंडस्ट्री होती है ना उसका एक अच्छे से फिर ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं ये तो फिर एक एसोसिएशन यहाँ पे बना ली जाती है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है ना यहाँ पे कंट्रोल करती है उसके प्राइसेस को कंट्रोल करती है उसकी सेल को भी यहाँ पे कंट्रोल करती है तो इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे अब होना स्टार्ट हो जाता है गिल्ड हॉल फीचर ऑफ़ एवरी टाउन तो फिर हर बड़े टाउन में फिर एक हॉल भी बन जाता है गिल्ड हॉल बन जाता है तो so, ये, ये जो है ना एक सेरेमोनियल फंक्शन के लिए बिल्डिंग हुआ करती थी वेयर हेड्स ऑफ ऑल दी गिल्ड्स मेट फॉर्मली तो यहाँ पे जो है ना जितने भी गिल्ड्स यहाँ पे हुआ करते थे जितने भी एसोसिएशन यहाँ पे हुआ करती थी तो उसकी जो हेड होते हैं ना वो इस हॉल में आके मिला करते थे राइट right? यहाँ पे डिस्कशंस किया करते थे तो इवन गार्ड्स भी यहाँ पे रखे हुए थे तो इन टाउन वॉल्स को जो है पेट्रोलिंग वो यहाँ पे करते थे एंड म्यूजिशियंस वर कॉल टू प्ले एट दि फीस जब मेले वगैरह यहाँ पे होते थे तो फिर म्यूजिशियस को भी यहाँ पे बुलाया जाता था सिविक प्रोसेशन यहाँ पे होती थी इन कीपर्स लुक आफ्टर दी ट्रैवलर्स एंड इवन जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए गार्ड्स यहाँ पे बुलाए हुए थे तो एक तरह से बड़े टाउन्स जो होते हैं ना बड़े सिटीज़ के जो फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं उसके अलावा आप जो है नए ट्रेड राउट्स जो होते हैं ना वे विद वेस्ट एशिया वो भी डेवलप हो रहे थे वेस्ट एशिया की तरफ इन यूरोपियंस के स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स जो थे वो यहाँ पे आ रहे थे एंड इवन जो इंग्लिश ट्रेडर्स होते हैं वो भी जो यहाँ पे यूरोप में जो है ना इवन दे केम टू सेल टिन तो वो यहाँ पे जो है टिन टिन को जो है बेचने के लिए जो है आते थे राइट या फिर वेस्ट एशिया में जो है इंग्लिश ट्रेडर्स जो है वो वेस्ट एशिया में जाया करते थे वेस्ट एशिया के जो आ, ट्रेडर्स हैं वो फिर यूरोप में जाना स्टार्ट कर देते हैं तो एक दूसरे के साथ इनके जो है ना ट्रेड वाले जो लिंक होते हैं वो यहाँ पे और भी ज्यादा क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो इवन फ्रांस में भी, भी बाई द ट्वेल्व सेंचुरी कॉमर्स एंड क्राफ्ट जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है एंड अर्लीगर क्राफ्ट मैन यूज टू ट्रैवल फ्रॉम मैनोर टू मैनोर पहले जो क्राफ्ट मैन होते थे ना जो कारीगर होते थे वो एक मैनोर से दूसरे मैनोर में यहाँ पे जो है ट्रेवल किया करते थे

ट्रेड करें उसका व्यापार करें तो इस तरह से हर एक लोग जो है ना व्यापारी यहाँ पे बन रहे थे एक ही जगह पे सेटल डाउन हो रहे थे टाउन्स में जाके जो है सेटल डाउन वो होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ओब्वियसली टाउन्स की जो नंबरिंग थी वो बढ़ती जा रही थी तो ट्रेड जो है ना वो भी फिर एक्सपेंड होता ही जाता है टाउन मर्चेंट्स जो थे ना यहाँ पे टाउन के जो मर्चेंट्स होते हैं वो और भी रिच एंड पावरफुल हो जाते हैं and उनका फिर अब जो नोबिलिटी थी ना यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी की सेकेंड वाला जो ऑर्डर था उनके साथ भी जो है फिर राइवलरी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ओके okay? नोबल्स के अलावा भी यहाँ पे कुछ रिच पर्सन आ जाते हैं सोसाइटी में तो इसके अलावा यहाँ पे जो कैथेड्रल टाउन्स होते हैं कैथेड्रल टाउन्स में जो चर्चेस uh, जो होती हैं ओके okay? चर्चेस जो होती है ना उसके आसपास भी यहाँ पे जो टाउन्स होते हैं ना वो बने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि हमने इंडिया में देखा था ना टेंपल टाउन्स होते हैं टेंपल टाउन्स कौन से होते हैं जो कि टेम्पल के आसपास भी जो है कई सारे गिल्ड्स यहाँ पे व्यापारी यहाँ पे जो है आके एक तरह से उसके आसपास बस जाते हैं सिमिलरली जो है यहाँ पे भी जो है कैथेड्रल टाउन हमें देखने को मिलते चर्च के आसपास जो है ना यहाँ पे लोग आके बसना स्टार्ट हो जाते फिर वो जो जो है है पूरा एक टाउन ही बन जाता सो वन ऑफ द द वे रिच रिच मर्चेंट्स स्पेंड देयर मनी वाज बाय मेकिंग डोनेशंस टू चर्चेस होते हैं बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं वो अपना पैसा किस तरह से खर्च करते हैं वो चर्चेस को डोनेशंस देते थे एंड uh, एक तरह से काफी बड़ी बड़ी जो चर्चेस जो होती है ना ट्वेल्व सेंचुरी में वो फ्रांस में बनाई गई थी एंड इवन uh, जो कई सारे और भी लोग थे जो कि यहाँ पे

एंड वेन दे वर कम्पलीटेड जब ये कैथेड्रल टोटली कम्प्लीट हो जाती हैं तो ये जो है एक तरह से पिलग्री में सेंटर बन जाता है तो इस तरह से इसके आसपास स्मॉल टाउन जो है वो डेवलप हो जाता है जब कोई भी पिलग्री में सेंटर है राइट right, अगर हम बात करें इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पिली में सेंटर्स हैं तो उसके आसपास जो है छोटा सा टाउन जो है वो हमेशा ही बसा होता है वहाँ पे कई सारे जो ट्रेडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो जो एक श्रद्धालु ही बहुत ज्यादा आते हैं तो लोग वहीं पे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं उन टेम्पल्स के पास चर्चिस के पास मॉस्क्यूब के पास राइट right? सो so, कैथीड्रल्स जो थे वो इस तरह से बनाए गए थे कि प्रीस्ट की जो आवाज़ है वो पूरे हॉल में जो है इजीली सुन सके एंड जिस हॉल में जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे वो इकट्ठे होते थे एंड इवन जब मॉन्क्स जहाँ पे गाया करते थे तो उसकी भी आवाज़ जो है वो इजीली लोग जो है वो सुन सकें राइट ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस फिर जो है ग्लास जो होता है वो विंडोज में इस तरह का यूज किया गया था कि उसमें जो है ना एक तरह से बाइबल से कई सारे ऐसे नरेटिव जो है वो उन्होंने यहाँ पे यूज किए हुए थे एंड सो डेट की जो इलिटरेट पीपल है जो कि बाइबल को नहीं पढ़ सकते हैं तो वो भी जो है ना अच्छे से समझ सके कि बाइबल में क्या चीज इंक्लूडेड है ओके okay? तो वहां पे पिक्चर्स बनाई हुई थी स्टोरीज को नरेट किया हुआ था तो ये फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं सो विल कंटिन्यू विद दिस सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच हैव अय